मशहूर हस्तियों, राजनेताओं और राजघराने से संबंध रखने वाला एक ऐसा फाइनेंसर जिसके जीवन और अपराधों के बारे में सवाल अभी भी बने हुए हैं। आज हम आपको इसी फाइनेंसर जेफरी एपस्टीन के बारे में बताएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जेफरी एडवर्ड एपस्टीन एक अमेरिकी फाइनेंसर थे। एपस्टीन का जन्म 1953 में न्यूयॉर्क शहर के ब्रुकलिन बोरो में हुआ था। उनके माता पिता पॉलिन और सिमोर जी थे। उन्होंने 1969 में 16 साल की उम्र में लेफेट हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय के कुरंट इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज में भाग लिया, लेकिन जून 1974 में डिग्री प्राप्त किए बिना ही उसे छोड़ दिया। सितंबर 1974 में ही एपस्टीन ने एक शिक्षक के तौर पर पढ़ाना शुरू किया। वो मैनहैटन के डाल्टन स्कूल में एक फिजिक्स और मैथमेटिक्स के टीचर की जॉब करता था, लेकिन 1976 में ही उसे बर्खास्त कर दिया गया। इसके बाद एपस्टीन 1976 में एक फ्लोर ट्रेडर के निचले स्तर के जूनियर असिस्टेंट के रूप में बियर सेंटर्स में शामिल हुए। लेकिन यही नहीं, एपस्टीन ने अपने जीवन काल में बहुत सारे काम किए, जैसे कि फाइनेंशियल कंसल्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट फर्म, मीडिया एक्टिविटीज, लिक्विड फंडिंग लिमिटेड आदि। जबकि एपस्टीन अमीर दिखाई देते थे, टाउन हाउस में रहते थे और कई प्रकार के चैरिटीज के बड़ी रकम देते थे, उनके पैसे का स्रोत अभी भी क्लियर नहीं है। एपस्टीन ने अपने द्वारा खरीदी गई प्रॉपर्टीज पर कई कैमरा इंस्टॉल करवाए थे। खोजबीन में पता चला था कि ये कैमरा उसने कम उम्र की लड़कियों के साथ बड़ी हस्तियों यानी कि प्रोमिनेंट पीपल के द्वारा की गई सेक्सुअल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने के लिए लगाए थे। इसके बाद वो उन वीडियो रिकॉर्डिंग से उन लोगों को ब्लैकमेल किया करता था। जब पुलिस ने उनके पाम बीच स्थित आवास पर 2006 में छापा मारा तो उनके घर में दो छिपे हुए पिन होल कैमरे खोजे गए। ये भी बताया गया था कि न्यूयॉर्क में उसके मैंशन में भी कई जगह पर वीडियो सर्विलेंस लगाया गया था। 1996 में एपस्टीन के लिए काम करने वाली एक कलाकार मारिया फार्मर ने कहा कि एपस्टीन ने उन्हें न्यूयॉर्क हवेली में एक मीडिया रूम दिखाया, जहां पूरे घर में पिनहोल कैमरों से घर की निगरानी करने वाले व्यक्ति बैठे थे। मीडिया रूम में जाने के लिए एक हिडन डोर था। उसने लड़कियों को उन हस्तियों के पास भेजकर उनसे संबंध बनाने को कहा और ब्लैकमेल करने लायक इन्फॉर्मेशन को निकालने की कोशिश की। 2005 में एक 14 वर्षीय लड़की के माता पिता ने फ्लोरिडा में पुलिस को बताया कि एपस्टीन ने उनकी बेटी को अपने पाम बीच स्थित घर पर छेड़छाड़ की थी। उसे वहां जबरदस्ती नग्न होने को भी कहा गया, जिसके बाद वह वहां से चली गई। पाम बीच पुलिस ने एपस्टीन की 13 महीने की अंडरकवर जांच शुरू की, जिसमें उनके घर की तलाशी भी शामिल थी। मई 2006 में पाम बीच पुलिस ने एक संभावित हलफनामा दायर करते हुए कहा कि एपस्टीन पर नाबालिगों के साथ गैरकानूनी सेक्स के 4 मामलों और यौन शोषण की गिनती के साथ आरोप लगाया जाना चाहिए। 30 जून 2008 को एपस्टीन को 18 साल की उम्र के नीचे एक महिला वैश्यावृत्ति के लिए खरीद की एक राज्य प्रभारी में दोषी पाया गया। इसके बाद एपस्टीन को 6 जुलाई 2019 को फ्लोरिडा और न्यूयॉर्क में नाबालिगों के यौन तस्करी के संघीय आरोपों में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। अपनी मौत से 3 हफ्ते पहले 23 जुलाई 2019 को एपस्टीन को जेल की कोठरी में बेहोशी की हालत में पाया गया था। एपस्टीन का मानना था कि उस पर उसके सेलमेट ने हमला किया था। एपस्टीन 10 अगस्त 2019 को सुबह 6:30 बजे एडीटी के न्यूयॉर्क शहर में मेट्रोपॉलिटन सुधार केंद्र यानी कि एमसीसी में अपने कक्ष में मृत पाए गए थे। 10 अगस्त 2019 को जेल और अमेरिकी अटॉर्नी जनरल विलियम बर्ड ने मौत को एक स्पष्ट आत्महत्या कहा था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।